कैसे हो आप सब लोग मैं आशा करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग नॉर्मीज हो आप लोग नॉर्मल पीपल हो एंड मैं भी ऑब्वियसली नॉर्मल इंसान ही हूँ एंड मैं ये चीज़ आप लोगों को बताने वाला कौन होता हो इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे बात करेंगे लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि आप एक्सल किस तरीके से नॉर्मल इंसान हो अगर आप नॉर्मल इंसान को देखोगे तो फिर उन लोगों की नॉर्मल लाइफ होती है एंड उन लोगों के गोल्स होते हैं नॉर्मल हैं हर रात को वो लोग इंस्टाग्राम स्क्रोल करेंगे या तो फिर अपनी जो भी फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स या तो फिर फ्रेंड्स होती हैं उन लोगों के साथ बात करेंगे एंड फिर वो, लो वो लोग कॉलेज जाएंगे एंड उन लोगों का कुछ ड्रीम होगा कि उन लोगों को इस प्रोफेशन के अंदर जाना है फिर एग्जैक्ट लोगों उन लोगों को भी नहीं पता होगा कि उन लोगों को वो प्रोफेशन पसंद है या तो फिर उन लोगों को बस पैसे चाहिए उस प्रोफेशन के अंदर जाकर वो लोग शायद कंफ्यूज होंगे कि वो लोग एक्चुअल में पैशनेट है या नहीं है उस प्रोफेशन को लेकर या तो फिर उन लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए एंड अगर उन लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए तो फिर वो लोग उस पैशन को क्यों चूज़ कर रहा है एंड उस पैशन को एंड प्रोफेशन को क्यों मिक्सअप करना चाहता है वो लोग सच में पैशन है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ले। लेकिन फिर भी वो लोग कॉलेज की कोई डिग्री करेंगे ताकि वो लोग पैसे कमा पाए लेकिन वो सही तरीका नहीं है ज़्यादा पैसे कमाने का आप सब लोगों को भी पता होगा क्योंकि आप लोगों ने भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि किस तरीके से हम अमीर बन सकते हैं लेकिन फिर भी आप लोगों के मन में ये तो होगा ही कि हमें एक डिग्री लेनी चाहिए अगर हमें पैसे कमाने हो तो क्योंकि एटलीस्ट अगर हमारे पास डिग्री होगी तो फिर एटलीस्ट सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट करेंगे लोग ये सारी चीज़ें गोल्स के रिलेटेड है लाइक like, इस तरीके का कुछ गोल होता है नॉर्मल लोगों के ब्रेन में एंड साथ साथ वो लोग जिम करते हैं एंड उन लोगों को जिम करना पसंद है उन लोगों को मसल्स बनाना पसंद है ये सारी चीज़ नॉर्मल है जिम जाने से आप लोग सचमुच में एक्सेप्शनल लिस्ट के अंदर नहीं एंटर कर सकते फिर आप लोग पूरे दिन बुक्स पढ़ते होंगे एंड सेल्फ डेवलपमेंट करते होंगे एंड फिर रात को फ्रेश होने के लिए कोई मूवी सीरीज या तो फिर एनीमे और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करोगे ये सारी चीज़ें नॉर्मल इंसानों की कैटेगरी में ही आती हैं अगर आपको ट्रूली एक्सेप्शनल बनना है तो फिर वो उसका सिंपल आंसर है आपको बस एक बड़ा गोल क्रिएट करना पड़ता है अपने आप के अंदर एंड आपको ट्राई करनी पड़ती है कि आप अपने ब्रेन को एंड अपनी स्पिरिट को किस तरीके से ज़्यादा ताकतवर बना सकते हो एंड उसके लिए आपको ऑफकोर्स एक गोल तो बनाना ही होगा कि आपको फाइनेंशियली ज़्यादा ताकतवर होना है तो ही आप सचमुच में फ्रीडम की तलाश कंप्लीट कर पाओगे आपको सचमुच में तभी पता चल पाएगा कि एक्चुअल में फ्रीडम क्या होती है क्योंकि अगर हम फ्रीडम की बात करें तो फिर ऑफकोर्स हमारे पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए लोकेशन फ्रीडम होना चाहिए एंड हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारे रिसोर्सेज हम आसानी से कम्प्लीट कर सकते हैं अपने लिए एंड अपनी फैमिली के लिए ये सारी चीज़ें अगर हम सक्सेसफुली कर पाए तो फिर हम कह सकते हैं कि हम सचमुच में फ्री हैं एंड इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास ऑफकोर्स फाइनेंस होना चाहिए ओके okay. सो so, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि अगर आपको सचमुच में फ्री होना हो तो फिर आपको क्या चीज़ चाहिए आपको फाइनेंस चाहिए लेकिन फिर भी आप अमीर बनने का गोल नहीं रखते क्योंकि अगर आपको टाइम फ्रीडम एंड लोकेशन फ्रीडम चाहिए लोकेशन फ्रीडम एक बहुत बड़ी चीज़ है एंड आपको जो भी रिसोर्सेज पसंद हो आपको जिस भी तरीके के इन्फ्रास्ट्रक्चर पसंद हो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऑफकोर्स आपको एक अच्छी सुपर कार चाहिए होगी आपको एक अच्छा बंगला चाहिए होगा लेकिन आपको सचमुच में वो नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्या आप सचमुच में वो डिजर्व करते भी हो एंड आप पैशनेट हो अपने प्रोफेशन को लेकर पता नहीं है कि वो सच है भी या नहीं लेकिन एटलीस्ट आप पैशनेट हो उस प्रोफेशन को लेकर आपको उस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है एंड उस प्रोफेशन में आप इतना पैसा नहीं कमा सकते कि आप वो सुपर कार एंड वो अच्छा बंगला ले सको एंड अपने लिए एंड अपनी फैमिली के लिए लेकिन आपको वो चाहिए भी नहीं क्योंकि आप पैशनेट हो उस प्रोफेशन को लेकर एटलीस्ट आप अपने आप को ये चीज़ बोल रहे हो पता नहीं कि वो सच है भी या नहीं अगर आपने अपने ब्रेन को अच्छी तरीके से कंसेप्चुअलाइज किया होगा तो फिर आपको उसका आंसर है सचमुच में पता होगा कि आप सचमुच में उस प्रोफेशन को लेकर पैशनेट हो या नहीं हो मुझे उसका आंसर नहीं पता है कि आप लोगों के लिए वो चीज कितनी सही है मुझे पता है कि ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो मुझे पसंद हो एंड उस प्रोफेशन के अंदर मैं टॉप लेवल पर जाने के लिए मेहनत करूँ फिर चाहे उसके लिए मुझे कम फाइनेंस में भी क्यों अपनी लाइफ बितानी पड़े क्योंकि मैं सचमुच में पैशनट हो उस चीज़ को लेकर ऐसी कोई चीज़ नहीं है मुझे बस अमीर बनना है एंड उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हो ऐसा कोई पैशन नहीं है मेरा Exactly कि like मुझे डॉक्टर बनना है बनना है, या तो फिर लोगों की सेवा करनी है लोगों की सेवा मतलब मुझे दूसरे मदद कर पाऊ मेरी एक अलग कैटेगरी है एंड उस कैटेगरी के ऊपर मैं स्टिक रहना चाहता हूँ मुझे पता है की मुझे एग्जैक्टली exactly क्या चीज चाहिए लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आपको एग्जैक्टली exactly क्या चीज चाहिए जनरली ये सारी चीज जब हम नॉर्मल लोगों को पूछते हैं तो फिर उनके पास एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं होता कि उन लोगों को एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए जो भी पाथ उन लोगों ने लिया होता है क्या सचमुच में वो पाथ के ऊपर उन लोगों को जाना है या तो फिर वो बस लेजी है वो जो बड़े वाले पाथ के ऊपर जाने के लिए क्योंकि उस बड़े वाले पाथ के ऊपर उन लोगों को अगर जाना होगा तो फिर उसके लिए उनको स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी होगी एंड उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो अनसर्टेन होगी एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि वो लोग उस डेस्टिनेशन तक कब पहुँचेंगे इसलिए बहुत रिस्की है इसलिए वो लोग उस बड़े वाले रूट को डेंजरस रूट को नहीं लेते एंड अपने आप को इस तरीके से रैशनलाइज कर डालते हैं कि हाँ मैं इस चीज के लिए पैशनेट हूँ मैं इस प्रोफेशन के लिए पैशनेट हूँ इसलिए अगर मैं ये रूट चूज करता हूँ तो फिर वो ये प्रूव नहीं करता कि मैं लेजी हूं ये लोग बस उस चीज को रैशनलाइज कर डालते हैं कि क्यों उन लोगों ने उस बात को चूज किया एंड क्यों उन लोगों ने इस बात को चूज नहीं किया वो लोग चाहते नहीं है कि उन लोगों को कोई लेजी बोले इसलिए वो इस तरीके से पैशन एंड प्रोफेशन को लेकर एक्सक्यूज हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर नॉर्मल लोग बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं उन लोगों को एग्जैक्टली exactly पता है कि वो लोग एक्चुअल में नॉर्मल रूट चूज कर रहे हैं उन लोगों की जो पूरी लाइफ स्टाइल है जिस तरीके से वो अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन फॉर्म करते हैं वो सारी चीज़ें एक नॉर्मल लोग करते हैं लेकिन वो कभी भी ऐसा बोलते नहीं हैं कि मैं नॉर्मल हूँ मुझे एक्सेप्शनल नहीं बनना क्योंकि वो लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं हर रोज़ रात को वो लोग अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ या तो फिर लड़कों के साथ बाहर जाते हैं इन सारी चीज़ों को करने में एक्चुअल में मज़ा आता है एंड बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आती है मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि एक टाइम पर मैं भी ये चीज़ करता था एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा इसके अंदर मज़ा आता है एंड मुझे ये पता है कि एक्जली इसके अंदर मज़ा क्यों आता है आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि अपेरेंटली ह्यूमंस जब भी दूसरे ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन करते हैं किसी भी तरह के की कॉन्वर्जेसन फॉर्म होते हैं उन लोगों के बीच में तब उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो चीज़ प्रोडक्टिव है क्योंकि जब ओल्ड एज होता था तब अगर किसी तरीके की कॉन्वर्जेस होती थी एक दूसरे ट्राइब्स के अंदर तो फिर वो शो करता था कि वो ट्राइब्स अब फ्रेंड्स बन चुके हैं अब उन लोगों का झुंड ज़्यादा बड़ा हो चुका है एंड अगर झुंड बड़ा होगा तो फिर सर्वाइवर के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे सो so बिकॉज उन लोगों को सर्वाइव करना था इसलिए वो लोग अपने ब्रेन को इस तरीके से मैकेनाइज करते थे कि अगर हम लोग दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरीके से बात करते हैं एक दूसरे के चेहरे के ऊपर स्माइल लाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे अब वो जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स अभी तक हमारे ब्रेन के अंदर है ही इसलिए आप कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्जेशन फॉर्म करोगे फिर चाहे वो कन्वर्जेशन एक्चुअल में प्रोडक्टिव हो या ना हो आप लोगों को ऐसा ही लगेगा कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो फिर भले ही आपको एग्जैक्टली exactly पता क्यों ना हो कि आपका गोल ये है सो आपको इस तरीके की बातें करनी चाहिए एंड इस तरीके के एक्शंस करने चाहिए लेकिन आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो अब अभी क्या कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी कॉन्वर्जेस कर रहे हो जो रैशनल नहीं है जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है जो आपकी ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि अभी भी फाइनेंशियली अनस्टेबल हो एंड आपके पास ऐसा कोई प्लान भी नहीं है जिसको आप फॉलो करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाओ आपने कुछ घिसा सा प्लान बनाया है एंड वो प्लान भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो आपको पता है कि जब आप वो प्लान फॉलो करोगे तभी आप एक ज़्यादा ताकत और प्लान बना पाओगे अपने आप के लिए ताकि आप ज़्यादा फाइनेंशली स्टेबल बन पाओ अब आपको ये सारी चीज़ें पता है लेकिन फिर भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ फालतू की बातें करते हो एंड फालतू के एक्शन परफॉर्म करते हो लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ काउंटर प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है ये चीज इसलिए लगती है क्योंकि वो जो न्यूरॉन्स है हमारे पास्ट के वो जो मैंने आपको ट्राइबल स्टोरी सुनाई वो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में अभी तक हैं इसलिए आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ काउंटर प्रोडक्टिव काम कर रहे हो लेकिन आपको ये थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट में जाके देखना होगा अपने ब्रेन को एनालाइज करना होगा कि ये जो भी आप कन्वर्जेशन अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो वो सचमुच में फालतू की है एंड आपके फ्यूचर के लिए काम की नहीं है जब आप थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट में जाके आपको एंड अपने फ्रेंड्स को देखोगे कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो फिर ही आपको पता चल पाएगा फिर ही आपकी कॉन्शियसनेस सचमुच में खुल पाएगी एंड उसको पता चल पाएगा कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो फालतू की है एंड आपको बंद करना होगा एंड आपको सिर्फ कन्वर्जेशन एंड नहीं करनी है आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपका जो फ्रेंड है वो इतना केपेबल है कि वो इस तरीके की कॉन्वर्जेशन एंड इस तरीके के एक्शंस मैनिफेस्ट करने की पावर होल्ड करता है वो एक्चुअल में एक नॉर्मल इंसान है एंड वो आपको होल्ड बैक कर सकता है नॉर्मल इंसान बने रहने के लिए आपको एक नॉर्मल इंसान नहीं बनना है आपको फाइनेंशियली फ्री होना है एंड सोसाइटी में किसी तरह की वैल्यू प्रोवाइड करनी है आपको रिस्पेक्ट बिल्डअप करनी है अपने लिए एंड अपनी फैमिली के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है आप डिटरमाइंड हो लेकिन आपका ये जो फ्रेंड है उसने ऑलरेडी वीकनेस एक्सेप्ट कर लिया है उसको पता है कि वो इतने डेंजरस एंड इतने रिस्की रूट के ऊपर नहीं जा सकता इसलिए वो ऑलरेडी रैशनलाइज कर रहा है कि वो नॉर्मल है फिर भी वो ठीक क्यों है सो so, अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड होगा जो इस तरीके की वीकनेस एक्सेप्ट कर चुका होगा तो फिर आप जब भी ऊपर जाने की ट्राई करोगे तब तो वो आपको हमेशा होल्ड बैक करेगा उसके थॉट्स आपको सताएंगे एंड बिकॉज आप एक अनदर लेवल पर नहीं पहुंचे हो अभी तक इसकी वजह से आपके जो फ्रेंड्स के थॉट्स होंगे वो आपको सताएंगे एंड आप अच्छी तरीके से अपनी पावर को फील नहीं कर पाओगे कि आप एग्जैक्टली exactly कितना वर्क पुटीन कर सकते हो एक पूरे दिन के अंदर उन पॉइजनस थॉट्स की वजह से जो आपका फ्रेंड आपके ब्रेन के अंदर मैनिफेस्ट कर रहा है उनकी वीकनेस की वजह से वो सारी चीज़ें आपको होल्ड बैक करेगी एंड ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसलिए सबसे पहला काम यह है कि उन फ्रेंड्स के साथ आपको सारे रिलेशनशिप्स ब्रेक करने होंगे ताकि आप ज़्यादा ऊपर जा पाओ ताकि आप ज़्यादा फास्ट अपनी जर्नी में कर of course, आपको भी नहीं पता होगा कि एग्जेक्टली आपकी डेस्टिनेशन कितनी दूर है एंड आपको कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए लेकिन एट लीस्ट आप अपनी पूरी ट्राई कर रहे हो अब मैं ये सारी चीजें बोलने वाला कौन होता हूँ ऑफकोर्स मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ बस मेरा ब्रेन एंड मेरी स्पिरिट ऑलरेडी पावरफुल हो चुका है Like मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ऑलरेडी पावरफुल हो चुका है क्योंकि अभी अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है एंड अभी भी मुझे कई सारी चीज़ें सीखनी बाकी है इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलने वाला कि ऑलरेडी पावरफुल बन चुकी है लेकिन मैं एक अच्छे खासे स्टेज के ऊपर पहुंच चुका हूँ जिसकी वजह से मैं थोड़ी शांति फ़ील कर पाता हूँ एंड मैं अपनी कॉन्शियसनेस को ज़्यादा अच्छी तरीके से फ़ील कर पाता हूँ मैं अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ चुकी है अब एंड इसी की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरा ब्रेन एंड मेरी स्पिरिट ऑलरेडी प्योर हो चुकी है मैं नॉर्मल इंसान इसलिए हूँ क्योंकि अभी भी मेरा स्टेटस्टिक्स इतना ताकतवर नहीं है ऑफ कोर्स मैं फेमस हूँ मैं गुड लुकिंग हूँ मेरी फिजिक बहुत कमाल की है मैं ये सारी चीजें हूँ लेकिन ये इनफ नहीं है ये मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है एंड मेरे जो पास्ट के स्टेटिस्टिक्स है वो एग्जैक्टली exactly मैच नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ बस मेरा ब्रेन एंड मेरी स्पिरिट ऑलरेडी पावरफुल हो चुकी है इसलिए मेरी डेस्टिनेशन भी ऑलरेडी डिसाइडेड है कि मैंने जो अपने लिए चीजें डिसाइड की है वो मेरे साथ होगी ही क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने अंदर की जो चीज है उसको अच्छी तरीके से कंसेप्चुलाइज कर दिया है अब मुझे बस काम करते रहना है ताकि मेरे जो स्टेटिस्टिकल डेटा होंगे वो भी ज्यादा अच्छे बन जाएंगे एंड मैं फाइनली ऐसा बोल पाऊंगा कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बींग नहीं हूँ मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं फिलहाल नॉर्मल ह्यूमन बींग हूँ लेकिन आपको भी ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि आप भी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हो कि वो सच है इसीलिए ही आप मेरा वीडियो देख रहे हो अब ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बोल दी है इन सारी चीजों को सुनने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान अपने आप को थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट में जाकर देख सकता है लेकिन आप में से कुछ लोग बारबीज होंगे जो लोग ये भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोग कुछ ज़्यादा ही वीक होते हैं वो मेरी कमेंट सेक्शन में जाके बोलेंगे कि तुम्हारी एज कितनी है तुम्हारी एज सिर्फ 18 है ये जो तुम 18 एज लिखते हो वो एक्चुअल में सच भी नहीं है तुम अपनी एज को लेकर कैपिटलाइज कर रहे हो अपने कंटेंट को तुम सच भी नहीं बोल रहे हो कि तुम 18 इयर्स के हो तुम लोग एक्चुअल में 20 या तो फिर 22 इयर्स के होंगे क्योंकि इतनी कम एज में ये सारी चीजें आप लोग मेरी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखने वाला हो टॉपिक कुछ अलग ही है इस वीडियो का लेकिन फिर भी आप में से कुछ ऐसा लोग होंगे जो बस मुझे किसी तरीके से नीचा दिखाने की ट्राई करेंगे एंड बिकॉज उन लोगों के पास एक ठोस प्रूफ नहीं है कि मैं एक्चुअल इतनी सारी चीजें कर सकता हूँ वो भी सिर्फ 18 इयर्स की एज में एंड ये चीज मुझे एक्चुअल बोलनी पसंद भी नहीं है कि मैंने कई सारी चीजें की है सिर्फ 18 इयर्स की उम्र में क्योंकि अगर मैं सच बोलूं तो फिर मैंने इतनी सारी चीज नहीं की है क्योंकि अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं बाकी सारे 18 इयर्स की उम्र के लड़कों के साथ तो फिर मुझे ये पता है कि बाहर एटीन सेवनटीन सिक्सटीन ईयर्स के ऐसा लड़के है जो मेरे से भी ज़्यादा सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल मतलब वो ज्यादा फाइनेंशियली फ्री है वो लोग ज़्यादा मटीरियली फ्री है मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि ये गारंटीड है आप लोगों को भी पता है अगर आप लोग अभी YouTube में जाकर ऐसा कुछ सर्च करोगे कि रिचेस्ट 18 ईयर ओल्ड और रिचेस्ट 17 ईयर ओल्ड तो एक आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी एंड अगर वो लिस्ट सच है तो फिर वो प्रूव करता है कि मैं एक्चुअल में इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ एंड मुझे पता है कि मैंने कुछ खास अचीव नहीं किया है मैं बस अभी सिक्स फिगर इनकम कमा रहा हूँ हर मंथ एंड इस चीज को लेकर मैं ब्रैग भी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक तरह की गरीबी ही है जब तक मैं करोड़ों रुपए ना कमाऊ करोड़ों रुपए आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग ऐसा बोल भी नहीं पाएंगे कि मुझे करोड़ों रुपए कमाना है ये चीज आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि आप लोग आप लोगों का ब्रेन इतना पॉल्यूटेड है कि आप इतना बड़ा गोल अपने आप के लिए रख ही नहीं सकते मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में भी बोला था कि मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से करोड़ों रुपए तक पहुंच सकता हूं मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से पचास लाख रुपए कमा सकता हूं लेकिन मुझे ये पता है कि मैं किस तरीके से पाँच लाख रुपए कमा सकता हूं एंड जब मैं पांच लाख रुपए कमाने लगूंगा बाद में मुझे पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैं दस लाख रुपए कमा सकता हूं फिर फिफ्टी लाख फिर वन इस तरीके से धीरे धीरे मुझे पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैं अपने आप को सीआर तक पहुंचा सकता हो आप लोग भी ये नॉर्मल चीज कर सकते हो लेकिन आप लोग फर्स्ट प्लेस पर कभी इतना बड़ा गोर रखोगे नहीं आप कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते ओपन में मैं आप सब लोगों के सामने ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं करोड़ों रुपए कमाने वाला हूं क्योंकि मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा है कि मैं जो भी चीज बोलता हूँ मैं करता हूँ क्योंकि पूरे दिन मैं सिर्फ काम करता हूँ एंड इस चीज को लेकर मैं सचमुच में पैशनेट हूँ इस चीज में मुझे मजा आता है ओके सर मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड की थी जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ एंड पिक्चर्स दिखा रहा हूँ कि मैंने बुलेट सिग्नल थ्री ली है उसकी पोस्ट मैंने की थी एंड फिर कैप्शन में मैंने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा था जिसके अंदर बहुत सारी चीजें थी सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो फिर कर देना ताकि अभी मेरे captions read कर सको। तो उस पोस्ट के कॉमेंट से उस इंसान को रिप्लाई किया था ताकि मैं रिस्पेक्ट शो कर सकूं कि उन्होंने जो भी लिखा वो सचमुच में मेरे लिए मीन करता है वो इतना करेजियस है कि ऐसी चीज उसने मेरे पोस्ट में आकर लिखी है तो फिर ऑफकोर्स मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको वापस से रिस्पेक्ट शो करूँ अपना रिप्लाई देकर मैंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था उनको एंड यही चीज़ मैं भी बताने वाला हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली exactly अपनी कमेंट में क्या लिखा था कमेंट स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से बिन मोर लो आर गोइंग ऑन चूजो एक कैरेक्टर uh, का नाम है जो जुजुत्सु कैसे एनिमे सीरीज के अंदर आता है लगभग तो वही है एंड आई हैव एन इन चेस्ट एम एन एथलीट स्लैश उनको किसी तरह का इन्फेक्शन है उनकी चेस्ट में एंड मैंने ये गूगल पर सर्च किया कि इन्फेक्शन इन चेस्ट एक्सैक्टली क्या मीन करता है तो फिर उसका जो फोटोज थे उसमें कुछ ऐसा ही था कि उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ सकती है एंड उनके जो लंग्स होंगे वो शायद अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे होंगे कुछ इस तरीके की उनकी प्रॉब्लम हो सकती है शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया हम

उसमें बुरी बात क्या है यह मुझे नहीं पता चल रहा शायद आप कॉपी नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में इसलिए अगर आपको कॉपी की चिंता है तो फिर आपको बस ज्यादा रीडिंग करनी चाहिए ताकि आप एटलीस्ट पास हो जाओ एंड मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपको रीडिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आपकी चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन है सो so, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको रीड करने में इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप होटल के होटल तो नहीं हॉस्पिटल के बेड के ऊपर सोए हुए होंगे एंड आपको रीड करना होगी वो भी टेंथ या तो फिर ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक्स वो ऑफकोर्स सुनने में कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा अब की सिचुएशन में समझ पा रहा हूँ एटलीस्ट ट्राई कर रहा हूँ सो so, हाँ आप कह सकते हो कि आपकी बोर्ड्स कुछ खास अच्छी नहीं जाने वाली लेकिन एटलीस्ट इतना रीड कर लेना कि आप पास हो जाओ वन थिंग देट वॉज टू मी वॉज माई जी एफ शी गॉट बोर्ड एंड लेफ्ट मी टुडे शी शायद आपने इसलिए लिखा है क्योंकि उसने कुछ खास अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा आपको मुझे नहीं पता आपको ज्यादा डिटेल में यह लिखना चाहता था क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर दे पाता आई गॉट माई नेम बैड फॉर हर फोर्थ विथ माई पेरेंट्स माई प्राइड फॉर हर एंड शी लेफ्ट मी आई डोंट नो वॉट इज गॉड डूइंग मिनट आपने उस लड़की के लिए अपने पेरेंट्स के साथ फाइट की है एंड फिर भी वो आपको छोड़कर चली गए तो फिर उसका रीज़न शायद ये हो सकता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे आप रिस्पांसिबिलिटीज अच्छी तरीके से नहीं ले रहे थे इस चीज़ का मतलब ये है कि जब भी आप किसी के साथ इंटरमीडियंट रिलेशनशिप में आते हो तब जो ऑपोजिट पार्टनर होता है जो लड़की होती है वो हमेशा लड़के के पास से एक्सपेक्ट करती है कि अगर कोई भी बुरी सिचुएशन आए तो फिर वो हैंडल कर लेगा एंड मुझे कुछ खास काम नहीं करना पड़ेगा एंड वो चीज़ नॉर्मल है ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का नेचर है फेमिनिन हमेशा मैस्कुलिन कैरेक्टर को आगे भेजना चाहती है ताकि उसको वो स्ट्रेंथ अडोप्ट ना करनी पड़े फेमिनिन नेचर स्ट्रेंथ के लिए लीड के लिए नहीं बना है वो लोग लव एंड स्पिरिचुअल प्योरनेस के लिए बना है जबकि मैस्कुलिन प्रोटेक्ट एंड फाइट करने के लिए बना है एंड अगर कोई चीज़ प्रोटेक्ट एंड फाइट करने के लिए बनी है तो फिर हर कोई उस चीज़ के पास से एक्सपेक्ट करेगा कि अगर कोई बुरी चीज़ आए तो फिर ये भाई साहब संभाल देंगे उस चीज़ को एंड मुझे कुछ खास प्रॉब्लम्स सहन नहीं करनी पड़ेगी आपने ऊपर इतनी सारी कंप्लेन की है सो so मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने इस तरीके के सेंटेंसेस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी बोले होंगे टेक्स पर या तो फिर रियल में फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोल रही होगी कि कोई बात नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में चाहे कितना भी अच्छा रिलेशन क्यों ना हो अगर आप हमेशा अपने पार्टनर के पास से ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि जब भी कोई बुरी चीज आए तब मैं सिंपथी लेने के लिए अगर अपने पार्टनर के पास जाऊंगा तो फिर वो मुझे सिंपथी बैक देगा ऑफकोर्स वो देगा लेकिन वो सबकॉन्शियसली ऐसी चीज करना नहीं चाहता क्योंकि जो भी लड़की होती है वो ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि जो लड़का हो होगा उसके पास पैसा होगा ही उस लड़के के पास इतने करेज होगा ही कि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर वो संभाल लेगा। अगर बड़ी प्रॉब्लम्स आती है एंड आप उस चीज को अच्छी तरीके से संभालते नहीं हो एंड उस चीज़ को संभालते हुए भी आप अपने फेस के ऊपर स्माइल नहीं रख सकते तो फिर वो लड़की आपके साथ प्रोक्रिएट क्यों करेगी उसके पास कोई रीजन ही नहीं है क्योंकि जब वो प्रोक्रिएट करेगी जब वो एक इनफंट को इस वर्ल्ड में रिलीज करेगी तब स्टार्टिंग के छः महीने या तो फिर एक साल तक उसको 100 परसेंट उस इन्फंट के पास से जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस होंगी उन सारी एक्सपेक्टेशंस को उस लड़की को प्रोवाइड करना होगा एंड इन सारी चीज़ों में अगर उसके पास एक ऐसा लड़का नहीं होगा जो बैकग्राउंड में सारी चीज़ों को संभाल सके एंड उसको और स्ट्रेसफुल स्टेट में ना डाले तो फिर उस लड़की की ज़िंदगी बेकार हो सकती है इसलिए ये सारी चीज़ें वो लोग सबकॉन्शियसली करते हैं एंड उन लोगों को पता नहीं है कि वो इतना दूर का सोच रहे हैं लेकिन वो लोग सोचते हैं हर कोई सोचता है, को है। लड़कियाँ ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेती है लेकिन लड़कों को ये चीज़ रियलाइज़ करानी पड़ती है एंड ये रियलाइज़ करवाने का काम भी लड़कियों का ही है एंड वो ये चीज़ अच्छे से कर देती है एंड अभी भी वो यही कर रही है आपके पास से लेकिन इस चीज़ को आपने अच्छे से नहीं लिया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ ज़्यादा बेकार हो सकती है सो so, अच्छा यही रहेगा कि आप ये जो यूनिवर्स ने आपको मैसेज सेंड किया है इस मैसेज के अंदर ये लिखा है कि आप उस लड़की के केपेबल नहीं हो उस लड़की को आपके पास नहीं रहना चाहिए ये एक मैसेज यूनिवर्स ने आपको दिया है एंड इस चीज़ को अगर आप अच्छे से नहीं लोगे तो फिर आपकी लाइफ ज़्यादा बेकार ही होगी एंड आप इसको फिक्स नहीं कर पाओगे मुझे पता है कि आपने मेरे पोस्ट पर कमेंट इसलिए किया है क्योंकि आपको किसी तरह की कि सिंपत्ति चाहिए थी एंड आप चाहते थे कि मैं कुछ अच्छी चीज बोलूँ लेकिन मैंने जो भी बोला है वो सच बोला है अभी आपको मैं बताता हूँ कि इस सारी चीज़ का मैंने रिस्पॉन्स क्या किया है फॉट विथ माई पेरेंट्स सोल्ड ऑफ माई प्राइड फॉर हर एंड शी लेफ्ट मी आई डोंट नो वॉट इज गॉड डूइंग आई हैड हेल्थ हिट टू किट एग्जाम्स हिट टू किट आई हैड अ गर्ल हिट टू किट फैमिली सपोर्ट इज ऑलरेडी जीरो माई head. मैं माफी चाहता हूँ कि आप सुसाइडल थॉट्स के साथ सफ़र कर रहे हो लेकिन इस चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे पहले हम इस गॉड वाले सेंटेंसेस को ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने की ट्राई करते हैं कि आप एग्जैक्टली exactly क्या कर रहे हो आप क्वेश्चन कर रहे हो गॉड को यूनिवर्स को वर्ल्ड को इन तीनों में से आपको जो भी चीज़ बोलनी हो वो आप बोल सकते हो क्योंकि तीनों चीज़ सेम ही हैं आप क्वेश्चन कर रहे हो यूनिवर्स को कि वो एग्जैक्टली exactly ये सारी बुरी चीज़ है आपके साथ ही क्यों कर रहा है ये सारी चीज़ आपके साथ ही क्यों हो रही है एंड इतनी बुरी चीज़ कोई डिजर्व नहीं करता लेकिन फिर भी आपके साथ ये चीज हो रही है इसलिए आप क्वेश्चन कर रहे हो कि ये सारी चीज मेरे साथ क्यों हो रही है मेरे पास बस ये कुछ गिनी चुनी चीजें थी एंड वो भी आप लोगों ने ले ली क्या सचमुच में मैं ये चीज डिजर्व करता था क्या सचमुच में मैं इतना सफर करने के लिए मैंने बर्थ लिया है आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते एक्चुअल में वर्ल्ड से यूनिवर्स से या तो फिर गॉड से क्योंकि अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन गॉड को पूछे तो फिर वो शो करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप गॉड के ऊपर विश्वास नहीं करते वो अच्छी तरीके से क्योंकि अगर आप भरोसा करते गॉड के ऊपर कि गॉड सचमुच में है तो फिर आप कभी भी क्वेश्चन नहीं करते गॉड के इस डिसीजन के ऊपर ओके भरोसा करने का मतलब क्या होता है गॉड के ऊपर हम किस तरीके से भरोसा कर सकते हैं भरोसा करने का मतलब यह है कि बुरी चीज़ हर किसी के साथ होती है एंड वो किसी रीज़न से होती है एंड वो रीज़न आप फाइंड आउट नहीं कर सकते इसीलिए वो सारी बुरी चीज़ आपको गॉड के ऊपर रखनी पड़ती है कि ओके मेरे साथ बुरी चीज़ हुई है लेकिन कोई बात नहीं ये सारी बुरी चीज़ इसलिए हुई है क्योंकि यूनिवर्स ने यह डिसाइड किया था कि ये सारी बुरी चीज़ मेरे साथ होनी चाहिए इसलिए हमें बस ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है हम रैशनलाइज नहीं कर सकते कि ये सारी बुरी चीज़ हमारे साथ क्यों हुई है इसके पीछे के रीजंस हम नहीं फाइंड आउट कर सकते एंड अगर आपको भरोसा होता यूनिवर्स के ऊपर एंड गॉड के ऊपर तो फिर आप कभी भी क्वेश्चन नहीं करते कि आपके साथ ये बुरी चीज़ क्यों होती है सुसाइडल थॉट्स आर फ्लडिंग ओवर माय हेड डोंट नो व्हाट टू डू एवरीथिंग इज ब्लैंक आई एम थिंकिंग ऑफ ऑल द पिल्स दिल्स किल मी माय एफ इज सेइंग इट्स फॉर हर गुड वो तो मुझे भी पता है कि इट्स फॉर हर गुड एंड वो सच भी है सुसाइडल थाट्स के अगर मैं बात करूँ तो फिर आप एक्चुअल में सुसाइड नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप सुसाइड करते हो तो फिर वो शो करता है कि आप सेल्फिश हो इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा मुझे लेकिन फिर भी मैं मेरे व्यू पॉइंट्स बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं एग्जैक्टली exactly सुसाइड के बारे में क्या सोचता हूँ मैं इन भाई साहब को रिप्लाई नहीं दे रहा कि उनको सुसाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मेरा काम नहीं है लेकिन अगर आप सुसाइड करते हो तो फिर वो शो करता है कि आप बहुत सेल्फिश हो क्योंकि अगर आप सुसाइड कर दोगे तो फिर आप सारी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो वो शो करता है कि आपको रेस्पॉसिबिलिटीज़ नहीं लेनी एंड अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लोगे तो फिर आप प्रोक्रिएट कैसे करोगे आप एक एक, एक अच्छे फ़ादर किस तरीके से बनोगे एंड अपनी फैमिली को किस तरीके से प्रोवाइड करोगे अगर आप चले गए तो फिर आपके जब मदर एंड फादर ओल्ड एज पर आएंगे जब उनकी उम्र हो जाएगी तब उनकी देखभाल करने वाला कौन होगा सो so, अगर आप सुसाइड कर दोगे तो फिर सारी चीज़ आपके लिए ख़त्म हो जाएगी लेकिन दूसरों का क्या होगा एंड जो आपकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो फादर बनने की होती है वो भी आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो मतलब वो शो करता है कि आप एज अ ह्यूमन फेल हो चुके हो जो कुछ खास अच्छा नहीं है आई डोंट नो व्हाट टू डू क्राइड अलॉट ट्राइड टू टाइम्स टू किल माई सेल्फ पता नहीं भगवान है भी या नहीं एक्चुअली मैं किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस ना करूं इसलिए मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि ये कमेंट एक्चुअल में है ही नहीं इस तरीके की कमेंट मेरी पोस्ट पर किसी ने नहीं की थी ये मैंने मेड अप की है मैं ये बस जोक कर रहा हूं कि किसी ने कमेंट की है इस तरीके की मेरी एक पोस्ट पर या मैं मजाक कर रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ मजाक के लिए है एंड इसको सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ओके okay, सो so आप बोल रहे हो कि यू हैव क्राइड पेन करेंग एंड बुरी चीज़ हो रही है एंड आपको उसके बारे में भी बहुत दुख हो रहा है कि आपको इस बुरे सिचुएशन में आपकी गर्लफ्रेंड भी छोड़ कर चली गई। इस गर्लफ्रेंड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वो क्यों आपके साथ नहीं रह सकती एंड वो अपनी जगह पर सही है इसलिए मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लेम मत करना कि वो आपको क्यों छोड़ कर चले मे भी आपको अपने ब्रेन को एंड अपने स्पिरिट को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानना चाहें कि आप एक्चुअल में कितना स्ट्रांग हो एंड क्या आप सचमुच में ताकतवर हो भी या नहीं एंड मैं फ़िज़िकली बात नहीं कर रहा हूँ मैं मेंटली बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेंटली ताकतवर होते तो फिर आप कभी भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसी चीज़ अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपके पास से अनएट्रेक्टिवनेस की फीलिंग्स लेने लगेगी एंड वो रिलेशनशिप को एंड करना चाहेगी क्योंकि अगर आप इतना ताकतवर नहीं हो कि आप अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको अपना खुद के दम पर तो फिर दूसरों की प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करोगे एंड अगर आप एक अच्छा लीडर नहीं हो तो फिर आपके अंदर किसी भी तरह के की वो बात नहीं है जो हर लड़की को चाहिए होती है मैंने उसका रिस्पॉन्स दिया है जो मैं बस बोल देने वाला हो एंड उसको बहुत डीपली डिटेलली कंसेप्चुअलाइज नहीं करने वाला क्योंकि मैंने बहुत प्लेनली लिखा है सब कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट एवर क्वेश्चन गॉड और यूनिवर्स एंड मैं ये पूरा पैराग्राफ में वही चीज है बोलने वाला हूँ जो मैंने ऑलरेडी पास्ट में बोल दी है ब्रैकेट में लिखा है वॉट एवर यू कॉल इट इफ़ यू क्वेश्चन हिम दैट वाई बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू यू दैट मीन्स यू डोंट हैव फेथ इन गॉड then you're ruined. Second thing, stop trying to rationalize bad things and don't try to find answers that why your GF has left you. Why are your biological bodies suffering? And ये चीज को मैं accept भी करता हूँ कि biological body जब भी बीमार होती है तब वो सचमुच में बहुत फालतू की चीज है and बहुत बेकार feeling आती है लेकिन फिर भी अगर आपकी brain and आपकी spirit ताकतवर होगी तो फिर आप उस फेज में भी उस स्ट्रेंथ को फील कर पाओगे क्योंकि जब भी बॉडी बीमार होती है जब भी बॉडी वीक बन जाती है तब आपके पास सिर्फ आपका ब्रेन आपके थॉट्स एंड आपकी स्पिरिट होती है अगर आपने उन तीनों चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से जाना नहीं होगा तो फिर आप अच्छी तरीके से सफर करोगे दिस इज लाइफ मैन बैड थिंग डे मंथ हिस्टर इज ओवर The suffering will end and a better and stronger version of yourself will take the birth. Have hope, stay courageous and fight with your mental and physical pain. Don't ever accept weakness by suicide. मैं इनको ज़्यादा courageous बनाने की try कर रहा हूँ, मैं इनको ज़्यादा strength देने की try कर रहा हूँ, मैं उनको hope देने की try कर रहा हूँ, लेकिन उनका answer थोड़ा अजीब था. Again ये सारी चीज़ें मैंने खुद made up की हैं and ये actual में नहीं हुआ. है। बस मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ फिर ब्रैकेट में लिखा है मैंने कि your जी एफ हैज लेफ्ट यू कॉज यू आर केपेबल ऑफ राइटिंग दिस टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स नो वूमन शुड एवर प्रो क्रिएट विद अ मैन हु extremely हैंडल एक्सट्रीमली बैड सिचुएशन डोंट एवर ब्लेम अ वूमन फॉर रिजेक्टिंग यू मेरा इंग्लिश बहुत कमाल का है मुझे पता है क्योंकि दो साल से बहुत इंटेंसली इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी कर रहा हूं, मुझे अभी भी बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन उस चीज को भी मैं धीरे धीरे मास्टर कर लूंगा कोई बात इन सारी चीजों को मुझे अब हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी पास में बोल दिया है अब उनका आंसर ये था कि वाओ ब्रो इवन यू आर नॉट सपोर्टिंग उन्होंने ऐसा लिखा कि मैं भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं भी का मतलब मुझे नहीं पता कि उनको दूसरा कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता कि उनकी फैमिली उनको किस तरीके से ट्रीट कर रही है सो आप कह सकते हो कि मेरा जो आंसर था वो कुछ ज़्यादा ही हार्श हो सकता है उनके लिए लेकिन मेरा आंसर अभी भी मैं चेंज नहीं करने वाला अगर उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है लेकिन फिर भी मेरा आंसर यही रहने वाला है क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप सचमुच में स्ट्रेंथ अक्यूमलेट करना चाहते होगे तो फिर आप इस आंसर को एज अ होप देखोगे एंड आप अपने आप को डेवलप करना चाहोगे इस आंसर को रीड करने के बाद लेकिन ऑब्वियसली वो केस नहीं है क्योंकि आपने इस तरीके का रिप्लाई दिया है मुझे कि वाओ ब्रो इवन यू आर नॉट सपोर्टिंग फिर जो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है कि वाओ ब्रो इवन यू आर नॉट सपोर्टिंग उनका किसी और इंसान ने रिप्लाई दिया है No one will support you, man. Stop wasting your time here. Everyone is mean here. Better talk to your parents or just let it be. In cancer, typical 17 year old who has been in the world and jinko been that the world is a mean place and cruel. I can understand your pain, but trust me, your pain will fade. In this selfish world, it's better to be alone and happy. No one is your friend here. Just go जस्ट गो एंड फोकस ऑन योर करियर इफ़ यू बिकम अन एवरी वन हु फेल्टू टूडे विल यूर शूज ये बहुत अजीब सा आंसर very peaceful. God bless you. ये इनको एक तरह से सिंपति भी दिखा रहा है एक तरीके से होप भी दिखा रहा है लेकिन ये इनको इनके ब्रेन के अंदर मलेवलेंस फीट करने की ट्राई कर रहा है मलेवलेंस मतलब किसी तरह की, की हीट बैठाना चाहता है कि वर्ल्ड एक्चुअल में अच्छी प्लेस नहीं है एंड बिकॉज वर्ल्ड अच्छी प्लेस नहीं है इसलिए हमें बिटर बनना होगा अगर हम बिटर बनेंगे एंड अगर हम अमीर बन जाएंगे तो फिर हम वर्ल्ड को उसकी सही जगह दिखा सकते हैं लाइक like वो जो उनका सेंटेंस था कि अगर आप मिलियनर बन गए तो फिर वर्ल्ड आपके जूते चाटेगी इसका मतलब ही ये है कि आपको वर्ल्ड को उसकी प्लेस दिखाना है एंड वर्ल्ड का मतलब है यूनिवर्स याद रखना आप यूनिवर्स की बात कर रहे हो अगर आप यूनिवर्स को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करोगे अगर आप यूनिवर्स एंड वर्ल्ड को एज अ बैड पर्सन देखोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते मे भी आप अमीर बन सकते हो लेकिन आप बस पागल अमीर इंसान हो गया आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा ये बहुत इमेच्योर सा आंसर था लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि एक इमेच्योर इंसान इस तरीके के आंसर देने के काबिल होता है सो so, अगर आपको कभी भी ऐसा कोई इंसान मिले जो ऐसा बोले कि दुनिया बहुत क्रूर है तो फिर उनकी उसी समय पर कोई भी बात मत सुनना क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी ओपिनियन नहीं है जो आपको रियल वर्ल्ड में मदद कर सकता है हाँ रियल वर्ल्ड एक्चुअल में क्रूअल है रियल वर्ल्ड में जीना भी मुश्किल है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड एंड यूनिवर्स को पता नहीं है कि किस तरीके से उसको अच्छी तरीके से फंक्शन करना चाहिए क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से हम ह्यूमंस को सबक सिखाना चाहिए एंड वो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर रहे हैं अब हमारा काम ये है कि वो जो भी मैसेज हमें सेंड कर रहे हैं उस मैसेज को हमें अच्छी तरीके से रीड करना है एंड उस मैसेज में जो भी मॉरल वैल्यूज़ आपको मिल रही है कि किस तरीके से आपको फ्यूचर में एक्ट करना है उन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से कंसेप्चुअलाइज करना होगा आपके स्पिरिट एंड आपका ब्रेन कभी भी इतना ताकतवर नहीं बन पाएगा जितना ताकतवर उस इंसान का है जिस इंसान ने वर्ल्ड को एंड गॉड को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है ओके okay, सो so मुझे बस यही बात करनी थी आप लोगों के साथ फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही